आप सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आज के अनमोल विचार के साथ। कितने अनमोल है ये सत्संग के रिश्ते, जानते नहीं किसी को लेकिन फिर भी अपने से लगते हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सवाल जवाब सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न भले ही किसी एक संगत ने क्या हो, लेकिन बाबा जी द्वारा दिए गए उत्तर अनेकों संगत के मन की शंकाओं को दूर करते हैं। देखिए आज संगत ने बाबा जी से निजी जीवन भजन सिमरन को लेकर क्या क्या प्रश्न किए। ये महत्वपूर्ण अंश आरएसएस भी चैनल से ले गए। पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते। पूरे वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन है जी कि जो असी सारा दिन च काम करते हैं जो भजन सिमरन से बहने तो उही ही साडे सारा अगे दिमाग दे विच आउंदी गल ते भजन सिमरन च मन नहीं लगता। आप कदे ये तो नहीं कहा कि जी जो असी सारा दिन काम काज करते हैं उदो भजन सिमरन का साडा ख्याल सामने आता है, है? यानी दुनियावी चीज़ा साडे उत्ते इन्नी हावी हो गई ये भुल गए आप कि देने वाला तो मालिक है बेटा, दुनिया ने तो नहीं कसर पूरी करनी, तो जिन्हें दिता पहला वह शुक्रिया अदा करिए फिर दुनिया वाल ध्यान दे बेटा, करने वाला तो मालिक है नहीं जी, तो फिर जिम्मेवारी पहला वो जुड़नी चाहिए है कि नहीं। बाबा जी मेरा सैकंड क्वेश्चन है कि जो भी कोई मेरे मन च किसी कोई गल बहनी है तो वह टेंशन बहुत छेती ले लेना जी। बेटा कादी टेंशन हुण साडे वस विच होवे तां दा टेंशन लाओ, जिहड़ियां चीज़ां अपने वस विच ही नहीं एवें आपां सोच के बह जाइए, थोड़ा जिहा ध्यान देना चाहिए मगर उहदे अगे जिन्ना हिम्मत है उन्नी करो, पर जे मैं सिर फड़ के बह जाऊंगा तो फिर तो कुछ नहीं होने लगा। ठीक है संगत दया मेहर करना जी। बाबा जी सुनन विच आंदा है कि इस संसार दे विच जो भी हुंदा है वो मालिक करदा, की ये सच है बाबा जी? बेटा देखो कहन दी गल है मालिक ने सृष्टि बना के बड़ी सोहनी सृष्टि बनाई है बेटा, सृष्टि बना के कुदरत का कानून बनाता बेटा, कुदरत का कानून ये कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, हुण जिस भी अवस्था विच्चों गुजरांगे जो भी है वह कर्मां दे नाल जो हैगा वह हिसाब किताब होगा बेटा, कर्म साडे कीते हुए है किसी होर ने तो नहीं किते, सो जो मालिक ने कुदरत का कानून तो बनाता ये ठीक है कि उहदे विच ताकत हैगा कि वह जो मर्जी कर ले मगर वह कानून दे विच रह के चलता है, सो हुण जे इहो जिहा आपां करांगे उहो जिहा भुगतान देना पऊगा बेटा। बाबा जी ये जो कोरोना है इस धरती दे उत्ते आया है इसका की मकसद है बाबा जी? आपां भटक गए सी सारे, आपां रिश्तेदारियां नूं भी भुल गए सी, परिवारां नूं भी भुल गए सीगे, मालिक नूं भी भुल गए सीगे, कुदरत नूं भुल गए सी, किवें तबाही मचाई हुई है। ठीक है ना, करोना आया तो आपां चंद तारे तो दिखाई दते, हुण तो वह भी नहीं दिखाई देंदे, कदे अग ला लैंदे आ कदे कुछ कर लैंदे आ आपां बेटा, सो ये मालिक मौका दे रहा सानूं सोचण वास्ते कि आपां देखिए कि आपां किहो जी अगी सृष्टि अपने बच्चों वास्ते छड्ड के जावांगे, कदे एक दूजे की मार पिट करते हैं, कदे एक दूजे नू नफरत करते हैं मजहबां और धर्मां नू लैके, हुण किहो जी सृष्टि बना ली आपां? सो मालिक बीमारियां भेजदा कि आपां थोड़ा जिहा सोचिए, करोना ने तो नहीं देखिया कि थोड़ा किहड़ा मजहब है या किहड़ी जात है, देखिया तो फिर। राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।